जिंदगी के केवल 7 दिन हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो, उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती है। हमारा पैसा उसके पास में, वो नहीं देता। हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख कर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़ कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया मैं दे दूंगा, तू ले लेना, सोने नहीं देता मेरा देवदिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक उस चुका नहीं। मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पल ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र लाल चंदन दोनों पत्ती में, पीछे पीला चंदन, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए, दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो।